गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग भी अच्छे होंगे, आप लोग भी अच्छे होंगे। अब खुदा ने एक और दिन दिखाया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो फूल लगे पड़े हैं हमारे पेड़ों में भी। तो दोस्तों मौसम तो आज खैर बारिश का नहीं है, लेकिन ठंडा मौसम तो है ही। सुबह शाम की तरफ दिल्ली में भी ठंड है, तो उठ गए। मैंने कहा ना छुट्टी वाले दिन भी हम उठ जाते हैं। आज हमारा गुड फ्राइडे है, तो रवि भी घर पर नहीं है, जॉय भी नहीं है, रवि की छुट्टी नहीं है। तो देखो हम चर्च जाते हैं, चार लेडीज़ घर में हैं, तो अभी चर्च जाएंगी। कितने बजे का चर्च है पता कर लेती हूँ, तो हम लोग चर्च जाते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आपको बाद में। ये देखो दोस्तों ये भी उठ गए हैं, खुशी भी उठ गई, और नींद नहीं आ रही आज, पता नहीं क्या है। और आँख को ठंडे पानी से धो, पहले चल खड़ी हो, ये ठंडे पानी से धो। तो हम लोग बनाएंगे आज क्या है वो, ब्रेड रोल। जॉय नहीं है ना, आज ब्रेड रोल खाएंगे। ब्रेड रोल खाएंगे। हाँ। चलो दोस्तों आज जॉय नहीं है तो ब्रेड रोल खा लेते हैं, क्योंकि नहीं उसको नहीं खाया, क्योंकि फिर पीछे पड़ रहा था खाना है। तो आज ब्रेड रोल बना रहे जल्दी से, क्योंकि हम फिर चर्च जाएंगे, चारों लेडीज हैं, क्योंकि रवि भी नहीं है, मैंने बताया आपको। तो हम लोग निकलते हैं, मतलब अभी तो ब्रश व्रश कर लेते हैं अपना। अच्छा इसका एक एक निकाल लें, तो ब्रेड रोल बनाते हैं, तैयारी करते हैं ब्रेड रोल की। ओके दोस्तों गिर जाएगी। दोस्तों अभी हम चर्च जाने वाले थे, लेकिन हमारा चर्च जाना कैंसिल हो गया, क्योंकि अभी एक दुखद खबर आई है कि मेरे जीजा हैं, बड़े जीजा, रियल जीजा, उनके भाई की डेथ हो गई है। वो हमारे घर के पीछे रहते हैं 30,000 में, तो वहाँ जाना पड़ेगा, तो वहाँ जाना ज़रूरी है। तो मैं इंतज़ार करती हूँ अपनी बहन का, बड़ी बहन भी आने वाली है मेरी, तो उन दोनों को बोला मैंने यहीं आ जाओ, यहीं से हम चल देंगे। चलो बेटा खुदा, वहाँ दोस्तों वहाँ जाना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, अचानक एकदम ठीक ठाक थे, आजकल तो कह रहे ना हार्ट अटैक बहुत चल रहा है। तो खुदा उनकी आत्माओं को शांति दे। इस हफ्ते में दो बुरी खबर आ गई, और जाना पड़ा था, चर्च भी नहीं जाऊँगी। तो चर्च की तैयारी हो रही थी हमारी जाने की, तो देखते हैं दोस्तों, बताते हैं आपको। तो मैं अपना जूस पी रही हूँ, फाइबर मतलब सफ़ेद वाला पेठा वाला जूस, ये बहुत अच्छा होता है हेल्दी के लिए। रोज़ तो मैं सुबह ऐसे ही पी जाती हूँ, पर मैं ना इसके मतलब इसको छाना नहीं है, मैंने वैसे ही पीऊँगी, तो बहुत ही बढ़िया होता है, आप लोग भी पिया करिए। और गर्मी में तो बहुत ही अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत सी, बीपी वगैरह बहुत सी बीमारियाँ इससे कंट्रोल होती है, मतलब ख़त्म भी हो जाती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे डेली, मैं डेली पीती हूँ इसे सुबह सुबह, तो खाली पेट आप खाना खाने के बाद ही इसको पी सकते हैं। तो मैं इसको पी रही हूँ, और अपने बच्चों के लिए ब्रेड रोल बना दूँ, फिर मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। इसका टेस्ट बिल्कुल पानी जैसा है, जैसे आप पानी पी रहे हो वैसे ही है। तो मैं ब्रेड रोल बना लेती हूँ दोस्तों इन लोगों के लिए। देखो दोस्तों बन गया ब्रेड रोल, और ये ग्रीन चटनी के साथ खाओगे और सॉस के साथ खाओगे, ये दोनों नाश्ता चल रही है। जल्दी खा लो, मैं अभी अपनी नींद से नहीं उतरी। तुझे कौन सी सॉस चाहिए? कुछ भी चाहिए। खराब तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, हरी चटनी कहाँ खराब होती है, पागल है? नहीं बस थोड़ी लो, वेस्ट नहीं करो। अरे उसको भी दे दो थोड़ी सी। नहीं मैं आपसे, तुम लोग खाओ मैं बना लेती हूँ। बैला क्या कर रही है? उसको छोटा वाला भैं कौन कौन खाने तेरे को भैं। तो मैं यहाँ बना रही हूँ, कढ़ाई में बन रहा है, एक दो का पेस्ट बना लिया मैंने, तो कड़ी पत्ता भी डाला है अपने में, पनीर भी डालूंगी मैं। अभी नाश्ता कर लेती हूँ, दिखाती हूँ अपना नाश्ता। मेरे ब्रेड रोल, चाय, टमाटो सॉस, ग्रीन चटनी, और मैं नाश्ता कर लेती हूँ। देखो दोस्तों बच्चे आए हुए हैं, और बच्चे मस्ती कर रहे हैं खूब,
आपको बताया था दोस्तों कि मेरे जीजा के भाई ख़त्म हो गए हैं, तो सब यहीं पर आ रखे हैं, पीछे ही रहते हैं। तो अभी खाना बन रहा है, तो खाना वाना खिला देते हैं इन लोगों को हम लोग, तो मिलते हैं मैं आपको बाद में। चलो दोस्तों, आज तो बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि वो लोग अभी भी गए हैं सारे यहाँ से, तो अब हम लोग भी सोने चलते हैं। आज का दिन मतलब अच्छा नहीं गया क्योंकि घर में ही फैमिली में दत्त हो गई, तो दोस्तों क्या कर सकते हैं ना, जिसको जाना उसको खुदा ने लेना ही है। तो जीजा परेशान है बहुत, वहीं पर ही रुके हुए हैं, बच्चे भी उनके यहाँ से गए हैं, और भाई का बेटा भी बीमार है। सब उसके लिए प्रे करना दोस्तों, ताकि वो छोटा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अभी गए हैं वहीं पर ही, और सब लोग गए हैं और हम लोग घर पर ही हैं क्योंकि यहाँ पर और लड़कियाँ, उनको भी देखना है मैंने। तो आप लोग प्रेयर करना, और दोस्तों मैंने कहा है ना, पल पल का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, हमेशा बोलती हूँ मैं। और बस प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की वो जवान बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए और अपने घर पे आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं, आपको करते हैं गुड नाइट। जिंदा रहे तो पक्का मिलूँगी दोस्तों, ज़रूर बात करूँगी आप लोगों से। बाय बाय, गुड नाइट।